हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलॉजी के बारे में आगे बात करेंगे। अब आप लोगों ने बोला कि बोर्ड पे पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने वो पेन पेपर वाला अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि वीडियो कंटिन्यू करने हैं, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल टास्क है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूं। तो हाइड्रोलॉजी में हमने काफी कुछ जान लिया था, सीख लिया था, समझ लिया था, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इट्स रिलेटेड टू वाटर, और वाटर कहां से आता है? बारिश से। तो हाइड्रोलॉजी के ज्यादातर चीजें जो हम पढ़ते रहते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल, मतलब कि जो बारिश होती है तो कभी बैठ के आप एक बेंच पे पार्क में बैठ जाओ और जब बारिश में बैठो और फिर उस बारिश को ऑब्जर्व करो, तो जब आप ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करोगे तो कई तरह के ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में आएंगे। और जो भी ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे फ्यूचर या हमारे सोसाइटी के लिए फायदेमंद होगा, वो वही चीजें हाइड्रोलॉजी बन गई या आपके देखने का नजरिया। तो मैं हाइड्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जर्वेशन किए गए बारिश के बारे में या रेनफॉल के बारे में, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सपोज मान लिया जाए कि ये अर्थ सरफेस है और इस पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो जब बारिश होगी तो क्या होगा? अब एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो कभी प्लेन, स्मूथ प्लेन नहीं होता, वो ऊबड़ खाबड़ थोड़ा बहुत होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली अगर इसको बनाएं अर्थ सरफेस को, तो हम लोग को ऐसे 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 कुछ बनाना पड़ेगा। तो पानी इस पे गिरेगा तो क्या होगा? इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जो डिप्रेशन हैं छोटे छोटे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसमें क्या होगा? पानी जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो डिप्रेशन है इसमें पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? जब पानी और जब बारिश इससे भी ज्यादा होगी तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लो कर सकता है। तो बारिश मान लीजिए कि एक घंटे तक बारिश हुई, वन आवर, एक घंटे तक बारिश हुई, और इस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग कहेंगे स्टॉर्म ड्यूरेशन। स्टॉर्म का मतलब होता है कि एनी डिस्टरबेंस इन द एनवायरमेंट, और जैसे ही बारिश होने का जो फेनोमेना होता है तो पूरा का पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, बिजली चमकने लगती है, बहुत जोर जोर से बारिश होती है तो पूरा पेड़ पौधे और अजीब से आवाज आने लगता है, तो एक डिस्टर्बिंग सा माहौल बन जाता है, इसलिए उसको स्टॉर्म कहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म कुछ देर तक, जब तक ये जो बारिश के पानी है वो क्या हो रहा है? डिप्रेशन में फील हो रहा है, यानी किसी भी तरह का कोई रन ऑफ नहीं हो रहा। रन ऑफ का मतलब अर्थ सरफेस पे पानी का फ्लो होना, अगर पानी इसके ऊपर से फ्लो होने लगे तो कहते हैं उसको रन ऑफ। लेकिन शुरू में क्या होगा? पानी जमीन पे गिरेगा और सारे डिप्रेशन में भरने लगेगा। तो जब तक डिप्रेशन पूरा फिल ना हो जाए तब तक के बारिश को, वो पहले बारिश क्या करेगा उस ड्यूरेशन तक को हम लोग कहते हैं इनिशियल रेनफॉल। तो सीधा सा बात है, तो ये सीधा सा बात था इनिशियल रेनफॉल के बारे में। अब थोड़ा सा और इसको हमने स्टडी किया, हमने क्या देखा कि इसमें एक फेनोमेना ये हो रहा है कि पानी जो है इधर तो जाएगा लेकिन उसके पहले क्या होता है? जमीन के अंदर भी जाता है।
तो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड फिल्टरेशन, इसको हम कहते हैं फिल्टरेशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू या इनसाइड द ग्राउंड इज कॉल्ड फिल्टरेशन एंड द मैक्सिमम रेट जिस रेट से पानी अंदर जा सकता है उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। देखिए धरती पे बारिश हो रही है, मान लीजिए बारिश हो रही है, सपोज करिए 3 cm पर आवर, और इनफिल्ट्रेशन क्या है? इनफिल्ट्रेशन इज द मैक्सिमम रेट बाय विच वाटर कैन गो इनटू द ग्राउंड मैक्सिमम, और वो है मान लीजिए 2 cm पर आवर। तो क्या होगा, 1 cm पर आवर का एक्सेस होगा रेनफॉल। एक्सेस क्या है कि जितना पानी ऊपर आएगा तो कुछ ग्राउंड के अंदर चला जाएगा और कुछ ऊपर रन ऑफ में फ्लो होने लगेगा, तो जो फ्लो होगा उसको हम लोग कहेंगे रेनफॉल एक्सेस। आने वाले अभी और जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें रेनफॉल एक्सेस का मतलब यही समझना है। चलिए तो एक हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन। अब क्या है कि बारिश होने का फिनोमेना क्या है, पहले धीमा धीमा होगा, फिर तेज हो जाएगी बारिश, और फिर खत्म होने के पहले फिर धीमा धीमा होगा, उसके बाद वैनिश हो जाएगा। तो जब शुरू होगा तो शुरू के कुछ ड्यूरेशन तक हम लोग इनिशियल रेनफॉल कहेंगे, जब तक कि अर्थ के ऊपर के जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन स्टोरेज उसको कहते हैं, वो डिप्रेशन स्टोरेज पूरी तरह फिल ना हो जाए, और जब फिल हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि रन ऑफ होना शुरू होगा, या इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ दोनों, फिल्ट्रेशन होना तो साथ के साथ शुरू हो जाएगा, जब फिल्ट्रेशन जो है इनफिल्ट्रेशन तक पहुंचेगा यानी मैक्सिमम रेट तक पहुंचेगा, उसके बाद भी अगर पानी ज्यादा हुआ तो वो रन ऑफ में हिस्सा लेगा। चलिए ये फेनोमेना है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस तो करेंगे। लास्ट का जो रेनफॉल, मान लीजिए कि एक घंटा ड्यूरेशन का रेनफॉल हुआ, ये इसको मान लेते हैं एक घंटा है, और शुरू के जो 15 मिनट था वो क्या था, इनिशियल रेनफॉल था, और लास्ट का मान लीजिए 20 मिनट जो है, 20 मिनट में क्या हुई, ये बारिश जो धीरे धीरे बढ़ गई और फिर कम हो गई, तो इतना तो बहुत बारिश की इंटेंसिटी कम हो गई। मान लीजिए वो इंटेंसिटी लास्ट में जो ये इंटेंसिटी कम हो गई, तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी है जो कि इनफिल्ट्रेशन से कम है तो उसको कहेंगे रेसिड्यूअल रेनफॉल। तो पहले हो गया इनिशियल और बाद में हो गया रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल किसे कहेंगे, अगर रेनफॉल पी है तो पी इज लेस देन एफ सी फिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन। तो बारिश जो है जितना भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, इनफिल्टर्ड हो जा रहा है, वो रन ऑफ में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो लास्ट में ऐसा थोड़ी देर तक होगा। मान लेते हैं एक घंटे के बारिश में शुरू के 15 मिनट इनिशियल रेनफॉल और लास्ट के 20 मिनट जो है वो है आपके फाइनल रेसिड्यूअल रेनफॉल। अब देखिए रेनफॉल जब होता है तो कई तरह के, जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो सारा का सारा पानी ग्राउंड तक पहुंचता नहीं है, और पानी जो है कुछ कुछ डिप्रेशन के अंदर स्टोरेज में लॉस हो जाता है और कुछ इंटरसेप्शन में लॉस हो जाता है। यानी चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, है कि ग्राउंड तो ऐसा एकदम प्लेन तो होता नहीं है, इसमें होते हैं वेजिटेशन, मतलब थोड़े छोटे मोटे ऐसे झाड़ी वाली कुछ फूल पत्ता पेड़ ये सब ऊपर होता है। तो जब बारिश की पानी आती है तो इसमें पानी क्या होता है, इंटरसेप्ट होके रह जाता है और वो ग्राउंड तक तुरंत नहीं पहुंचता, वो बाद में पहुंचता है या वहीं से इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचा तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है एक पेड़ है मान लीजिए, तो इस पेड़ के ऊपर पानी आया तो क्या होगा, इसके पत्तों से ड्रॉपलेट बन के नीचे गिर सकता है,
इसके पत्तों से ड्रॉप बनके ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है वो ग्राउंड पे गिरता है। ये जब ये ऐसा फिनोमेना कब होता है, बारिश के बाद होता है, होता रहता है। आप देखिएगा कभी कोई घने वृक्ष के नीचे आप जाइएगा तो जब बारिश खत्म हो जाएगी तो भी उस वृक्ष के नीचे पानी होता रहता है। तो जो ये ड्रॉपलेट्स गिरते हैं इसको कहते हैं थ्रू फॉल। और कुछ पानी क्या होगा कि इसके सरफेस में फ्लो होता होता सरफेस स्ट्रीम यानी इसके तना के थ्रू ग्राउंड में आएगा, तो इस फ्लो को कहते हैं स्ट्रीम फ्लो। आज काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, इंटरसेप्शन में क्या हुआ, पानी वेजिटेशन में अटक गए और उसके बाद धीरे धीरे नीचे पहुंच गए। अगर पहुंच गए तो कैसे पहुंचेंगे, थ्रू फॉल के थ्रू या स्टीम फॉल के थ्रू, और अगर नहीं पहुंचे तो वो वहां से क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। जो पानी नीचे नहीं पहुंचेगा वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो जो ये इवापोरेशन लॉस हुआ, जो इंसेप्शन वाटर थे, इंसेप्शन वाटर का इवापोरेशन लॉस हुआ, इसी को कहते हैं इंसेप्शन लॉस। आप इसको ट्रांसपिरेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रांसपिरेशन एक अलग फिनोमिना है और इंसेप्शन लॉस एक अलग फिनोमिना है। तो ये लॉस जो होता है उसको हम लोग इंसेप्शन लॉस कहते हैं और ये 100% इवापोरेशन लॉस है, इसमें कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ग्राउंड वाटर का कैपिलरी एक्शन से पत्ते तक पहुंचना और उसके बाद इवापोरेट होना है, इस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लेकिन इंसेप्शन लॉस क्या होता है कि जो पानी बारिश के पानी पेड़ के पत्तों पर आई और पत्तों पर आने के बाद वहां से इवापोरेट हो गई, तो ऐसे लॉस को हम लोग कहते हैं इंसेप्शन लॉस। अब इनफिल्ट्रेशन का क्या है फेनोमेना, कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। अब अगर बारिश होगी, इसमें बारिश आई, बारिश के ड्रॉप और कुछ वाटर क्या हो गए, इनफिल्ट्रेट हो गए, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि जो फिल्ट्रेशन है उसको हम अगर एफ कहें और इनफिल्ट्रेशन को एफ सी कहें। एफ सी इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम रेट बाय विच वाटर कैन अब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन को हम लोग अगर एफ सी कहें और एफ को कहें फिल्ट्रेशन, तो और फिल्ट्रेशन मीन एक्चुअल फिल्ट्रेशन, एक्चुअल फिल्ट्रेशन यानी जिस रेट से पानी अंदर जा रहा है। तो एक केस नंबर वन, इस सब चीजों को अच्छी तरह समझिएगा, ये ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमाएंगे, इन सब चीजों में घुमाएंगे और बहुत आसान है, एक बार समझने के बाद कभी इवापोरेट नहीं होते, कोई इंसेप्शन लॉस नहीं होता, ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, केस वन बारिश हो रही है और बारिश रेनफॉल इंटेंसिटी मान लेते हैं पी है, ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी इज पी एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन एफ सी, ग्रेटर देन एफ सी यानी इनफिल्ट्रेशन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि पानी इतना ज्यादा है कि कुछ अमाउंट इनफिल्ट्रेट हो जाएगा और कुछ अमाउंट रन आउट हो जाएगा, देन The actual infiltration is equal to FC. Case one, this is case one. अगर rainfall intensity, अब इसको समझिए ना कि rainfall ज्यादा है, infiltration कुछ होगा तो उसके बाद भी बचेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, रन ऑफ में। तो ऐसे केस में जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन होगा वो इनफिल्ट्रेशन के बराबर होगा यानी मैक्सिमम के बराबर होगा। लेकिन केस टू, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी पी इज लेस देन एफ सी, मतलब जितना ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन हो सकता है उससे कम पानी डालेंगे, ऊपर से बारिश होगी तो सारा का सारा पानी क्या होगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, कोई रेसिडुअल नहीं बचेगा, कोई रन ऑफ नहीं होगा। तो ऐसे केस में एक्चुअल फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू रेनफॉल ना कि एफ सी। तो इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि बारिश की इंटेंसिटी अगर इनफिल्ट्रेशन से कम है तो क्या होगा, सारा का सारा पानी नीचे चला जाएगा, कुछ भी हमें ग्राउंड ऊपर ऑब्जर्व नहीं होगा और जिसकी वजह से हमें कोई भी रन ऑफ दिखाई नहीं देगा। अब हम लोग थोड़ा सा डीपर ऑब्जर्वेशन करते हैं ग्राउंड के अंदर, कि अगर किसी ग्राउंड में इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो
फिर ग्राउंड में कई सारे जोन में डिवाइड करते हैं ग्राउंड को। तो मान लीजिए कि हमारा ये एक्सिस है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट एंड दिस डाउनवर्ड एक्सिस रिप्रेजेंट द डेप्थ। ये शायद कम दिख रहा है, तो इस तरह का ग्राफ आता है। अगर हम ग्राफ खींचे और इसको कहते हैं जो ऊपर का, जो पानी, पानी क्या होगा, ऊपर गिरेगा नीचे जाने जाएगा, तो जो ऊपर का देश तक, ऊपर वाला जो कुछ जोन जो दूर तक बनता है सैचुरेटेड जोन। पानी पहले सॉइल को सैचुरेट करेगा और उसके बाद वो फिर नीचे जाएगा, तो उसके बाद के कुछ हिस्सा जो बनता है उसको कहते हैं ट्रांसमिशन जोन। तो ट्रांसमिशन जोन का जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है सैचुरेशन से, और करीब करीब सैचुरेशन जोन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और उसके बाद आपका बनता है ट्रांजिशन जोन। और उसके बाद बनता है वेट जोन। में ये जो लाइन है इसको कहते हैं वेट फ्रंट। इन लाइन के इधर हाई वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट, और यहां लो वाटर कंटेंट होता है। तो एक एब्रप्ट चेंज होता है, तो उस सरफेस को हम लोग कहते हैं वाटर फ्रंट। तो जब इनफिल्ट्रेशन ग्राउंड के अंदर होता है तो इस तरह के चार जोन क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हमने चार भाग में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड जोन, ट्रांसमिशन जोन, ट्रांजिशन जोन और वेट जोन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी ये गलत बना दिया है, ऊपर जो होगा ट्रांजिशन ऊपर होगा। और ये होता है ट्रांसमिशन जोन। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इनफिल्ट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं। इनफिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए एक सिलिंड्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाइट होता है 60 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर होता है 30 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं फ्लडिंग टाइप इन फिल्ट्रो और दूसरा होता है रेनफॉल सिमुलेशन के जरिए भी रेनफॉल सिमुलेटर में क्या करते हैं कि एक 2 मीटर × 4 मीटर लंबा एक प्लॉट लेते हैं, 2 मीटर जमीन का टुकड़ा और ये 4 मीटर, इसमें लॉन्गर साइड में क्या करते हैं नोजल्स लगा देते हैं और उस नोजल से फव्वारा टाइप का निकलता है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंटेंसिटी का रेनफॉल करा सकता है। तो रेनफॉल कराने के बाद वाटर बजट इक्वेशन इस्तेमाल करके हम लोग रन ऑफ और इनफिल्ट्रेशन बार बार डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन तक सिमुलेट करा के रेनफॉल हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो रेनफॉल सिमुलेशन के द्वारा भी इनफिल्ट्रेशन को मेजर किया जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ मैंने बताया, इसके बाद जो आने वाला वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को देखना तो बहुत ही जरूरी था। अपने फ्रेंड्स को, अपने हाइड्रोलॉजी में जो लोग भी अपने आप को वीक महसूस करते हैं उनको इस जितने भी मैंने अभी वीडियो अपलोड किए हैं उसको देखना चाहिए। और फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द TA क्लासेज या TA वीडियो आप लोगों को डिटेल में कमेंट करना चाहिए कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई या ये चीजें थोड़ी और बेहतर तरीके से बताई जा सकती थी या इस वीडियो को आप रीशूट करो क्योंकि ये वीडियो इतने ज्यादा दिमाग में
नहीं घुसी। तो मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव कमेंट के साथ साथ नेगेटिव कमेंट भी करो, अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया दिल खोल के बताओ, ताकि मैं अपनी वीडियोस में ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। क्योंकि मैं एक कन्वेंशनल मेथड यूज करता हूं, इसके और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो कन्वेंशनल मेथड बोर्ड और चौक जो होता है, इसमें बहुत अल्टीमेट कैपेसिटी का पावर होता है चीजों को एक्सप्लेन करने का, समझाने का, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं और मैं शायद सफल भी हो रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में यानी कल भी कोशिश करूंगा कि वीडियो डालूं और इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करिए और सब कुछ करिए, इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।